एलिस्टर कुक को मिली नाइटहुड की उपाधि, अब नाम के आगे लिखा जाएगा सर। जानिए क्या है नाइटहुड। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक को नाइटहुड सर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कुक को यह सम्मान हाल ही में बकिंघम पैलेस में आयोजित समारोह के दौरान दिया गया। एलिस्टर 12 साल बाद यह सम्मान पाने वाले पहले क्रिकेटर हैं। इससे पहले साल 2007 में यह सम्मान सर इयान बाथम को मिला था। एलिस्टर ने कहा कि इस सम्मान को लेते समय वे काफी नर्वस थे। कुक एसेक्स काउंटी क्लब के लिए क्रिकेट खेलते रहेंगे। उन्होंने पिछले साल एसेक्स के साथ 3 साल की डील साइन की है। कुक ने कहा, कोई आपसे कहे कि आपको चलना है और फिर घुटने टेकना है तो यह आपके लिए अजीब सा रहेगा। मेरे लिए भी था और मैं काफी नर्वस भी था। मैंने कई हजारों लोगों के सामने क्रिकेट खेला है, लेकिन आप सिर्फ चलने और घुटने टेकने से घबरा जाते हैं, जो बहुत अजीब है। 34 साल के कुक ने पिछले साल ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में यादगार शतक लगाई थी। उन्होंने यह शतक भारत के खिलाफ ओवल के मैदान पर ठोका था। कुक ने 21 साल की उम्र में 2006 में भारत के खिलाफ ही टेस्ट प्रारूप में डेब्यू किया था। कुक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में कई रिकॉर्ड तोड़े और बनाए भी। वे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले, सबसे ज्यादा टेस्ट रन और शतक बनाए। कुक ने 161 टेस्ट मैचों में 45.35 की औसत से 12,472 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 33 शतक और 57 अर्धशतक लगाए। ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा किसी व्यक्ति की उपलब्धियों या देश की सेवा के लिए नए साल में नाइटहुड दिया जाता है। जिसे यह सम्मान दिया जाता है उसके नाम के आगे श्री की जगह सर लिखा जाता है।